देश में प्याज के भाव ने शुरू किया रुलाना। दिवाली पर आसमान छू सकती हैं कीमतें, जाने कब मिलेगी राहत। नमस्कार दोस्तों, देश में पहले से महंगाई और कोरोना महामारी की मार झेल रही जनता को अब प्याज की कीमतों ने रुलाना शुरू कर दिया है। देश में खुदरा बाजार में प्याज की कीमतें 40 से 50 रुपए किलो तक पहुंच गई। जानकारों का कहना है कि प्याज की कीमतें और बढ़ सकती हैं, मतलब ये कि आने वाले कुछ दिनों तक आपको प्याज की कीमतें और रुला सकती हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगर प्याज के भाव इसी तेजी से बढ़ते रहे तो दिवाली पर प्याज और महंगा हो सकता है। देश की सबसे बड़ी प्याज की मंडी महाराष्ट्र के लासल गांव में सोमवार को अच्छी प्याज का भाव 6,802 रुपए प्रति क्विंटल तक जा पहुंचा। वैसे तो हर साल इन दिनों में प्याज के दाम आसमान छूने लगते हैं, लेकिन इस बार महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। ऐसे में खेतों में प्याज की फसल बर्बाद हो गई। इसका सीधा असर प्याज की कीमतों पर देखा जा रहा है। 14 अक्टूबर को प्याज व्यापारियों के यहां इनकम टैक्स विभाग ने कार्रवाई की थी। बताया जा रहा है कि यही वजह है कि मंडी में व्यापारी नहीं आ रहे थे, ऐसे में मंडी में कारोबार बंद हो गया। इस बीच सोमवार को जैसे ही मंडी खुली, प्याज के दाम में 2000 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा देखा गया। कहा जा रहा है कि कर्नाटक में हुई बेमौसम बारिश का भी प्याज की कीमतों पर असर पड़ा। जानकारों का कहना है कि प्याज की आपूर्ति में कमी देखी जा रही है, जिसका असर कीमतों पर देखने को मिल रहा है। सोमवार को कमाल किस्म की प्याज के भाव 6,802 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। देश में प्याज की खेती तीन सीजन में होती है, पहला खरीफ, दूसरा खरीफ के बाद और तीसरा रबी सीजन में। खरीफ सीजन में प्याज की बुआई किसान जुलाई अगस्त महीने में करते हैं। खरीफ सीजन में बोई गई प्याज की फसल अक्टूबर दिसंबर के महीने में बाजार में आती है। प्याज की बुआई दूसरे सीजन में अक्टूबर नवंबर तक होती है। ऐसे में आने वाले कुछ हफ्तों में फिलहाल प्याज की कीमतों में कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।